करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल का बेसिक स्ट्रक्चर, और हमने से बताया था आपको कि हम मेनू बार के हिसाब से चलेंगे, हम एक एक मेनू बार को पहले सीखेंगे ताकि सीक्वेंस रहेगा और आपको पता रहेगा कि आपने आज क्या सीखा है। तो हमारी पहली मेनू बार है फाइल, फाइल मेनू बार में देखते हैं क्या क्या है। तो फाइल मेनू बार में जैसे क्लिक करते हैं, सबसे पहले आपका होम आता है। होम में दो चीज़ें होती है, पहला जो कि ब्लैंक वर्कबुक और कुछ टेम्पलेट जो कि आपने रिसेंटली यूज किया है, और उसके बाद आपके फाइल के लिस्ट होते हैं, रिसेंटली ओपन फाइल लिस्ट होते हैं। इसमें तीन चीजें हैं, फिर शेयर विथ मी। शेयर विथ मी मतलब कि कोई ऐसा फाइल जो आपने बाहर से डाउनलोड करके आपने स्टार्ट किया है वो फाइल है, और किसने शेयर आपको किया है वो यहाँ पे आपको यूजर नेम आपको दिखेगा, किस डेट को दिखा है। तो ये चीजें हैं। न्यू पे आते हैं तो यहाँ पे आप नई फाइल या फिर कोई टेम्पलेट ले सकते हैं। कल हमने टेम्पलेट्स के बारे में बताया था कि यहाँ से अपने हिसाब से टेम्पलेट ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का बना बनाया फॉर्मेट है, बस आपको डाउनलोड करना है एंड यूज करना है। उसके बाद यहाँ ओपन पे आते हैं आप, तो यहाँ पे आपके पास रिसेंट वर्कबुक है और यहाँ पर रिसेंट फोल्डर्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे और भी रिसेंटली यूज होने वाले से कि आपको वन ड्राइव हो गया या आपके डिस्क पीसी हो गया या फिर कोई ऐसी नेटवर्क पैलेस है वो ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इन्फो में आते हैं आप, तो इस फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी और फाइल में आप चेक कर सकते हैं किस किस ने कौन कौन सीट प्रोटेक्ट है, यहाँ पे लिस्ट आ गया है प्रोटेक्ट हुआ तो सॉरी। उसके बाद इसमें आप ओपनिंग पासवर्ड डाल सकते हैं यहाँ से कि आप फाइल को लॉक करना चाहते हैं विद पासवर्ड, तो यहां से आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आपको चेक इश्यूज है, यहाँ पे इसके वर्जन हिस्ट्री है, जैसे मान लीजिए 2003 से 2007 में लाया तो उसकी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। रिकवर अनसेव वर्कबुक, डिलीट अनसेव वर्कबुक, मतलब कि ये होता है आपका जो ऑटो रिकवर होता है उसका होता है। सेव पे आप आते हैं तो यहाँ पे डोली सेव और सेव है जो होता है ये तो आपको पता ही है। प्रिंट पे आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट में आपको क्या क्या होना चाहिए, यहाँ आप फाइल को अपने प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो प्रिंटर है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपके किस सीट को प्रिंट करना है, एक्टिव जो करना है, एंटायर वर्क को करना है या फिर सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना है। उसके बाद कोई पर्टिकुलर रेंज है कि मुझे 1 से 10 करना है या 10 से 20 करना है वो यहाँ आप दे सकते हैं। पुलेट मतलब कि अगर आपने इसकी यहाँ पे कॉपीज है, मान लीजिए 5 कॉपीज बनाई है तो 1-2-3 इस तरह से करेगा या 1-1-2-2 इस तरह से करेगा, अनकुलेटेड करेगा। मतलब कि आपने मान लीजिए 5 कॉपी किया, 3 कॉपी कर लिया, राइट। तो अभी क्या करेगा कि 1-2 पेजेस जो है मान लीजिए 1 से लेके आपने 5 पेजेस किया, तो पहले वो 1 से 5 निकालेगा, फिर 1 से 5 निकालेगा, फिर 1 से 5, फिर 1 से 5, ऐसे 4 बार वो 4 कॉपी, एक हर एक पेज का 4 कॉपी कोलेटेड होगा, सिक्वेंसली होगा। लेकिन अगर आपने इसमें इसको सिलेक्ट कर लिया तो पहले एक पेज नंबर 1 का 4 कॉपी निकालेगा, पेज नंबर 2 का 4 कॉपी निकालेगा, पेज नंबर 3 का 4 कॉपी निकालेगा, अनकोलेटेड होता है ऐसा। यहाँ पे ओरिएंटेशन, यहाँ पे आपका पेज का साइज या आपका नाम मार्जिन होता है क्या मार्जिन है, और यहाँ पे स्केल नॉली हो गया नैरो, यहाँ पे टॉप बॉटम से कितना मार्जिन होगा उसका दिखाता है सर, ठीक है, कि साइड से वो कितना छोड़ के प्रिंट स्टार्ट करेगा वही होता है सर। इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा मैं पेज सेटअप की क्लास में। शेयर मतलब आप पावर बीआई में इसको शेयर, सॉरी वन ड्राइव में इसको शेयर कर सकते हैं या फिर एज ए पीडीएफ इसको मेल अटैच कर सकते हैं।
एक्सपोर्ट इसको पीडीएफ या एक्सपीएस में इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पब्लिश को पावर बीआई में, पावर बीआई के सॉफ्टवेयर इसको पब्लिश कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट, तो आप इसके अकाउंट से रिलेटेड होती है, माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, जैसे आपने लाइसेंस पर ले रखा है तो उसको लॉग इन करते हैं, मैंने लॉग इन कर रखा है और यहाँ पे मेरा ऑफिस 365 है। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस जो होता है एक्सेल की सेटिंग्स होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आप पहली दूसरी क्लास में सेटिंग क्यों पढ़ा रहे हो? ऐसा इसलिए कि जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं या कोई नई चीज लेते हैं तो उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं। मान लीजिए कि आप एक नया मोबाइल फोन लेते हैं तो उसकी रिंग टोन, उसका वॉलपेपर, ये सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह से हम एक्सेल को यूज करना शुरू किए हैं तो इसको अपने अकॉर्डिंग हम सेट कर लेते हैं। तो इस सेटिंग और सेटिंग जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला यहाँ पे दिखता है स्क्रीन टिप्स स्टाइल। जैसे कि आप किसी भी कर्सर पे लेके जाते हो तो उसके बारे में एक क्विक इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो जब हम लोग इंटरव्यू लेते थे किसी से, इंफॉर्मेशन को हिडन कर देते थे ताकि कोई तुक्का ना मार सके। या फिर जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, हमारे किसी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो इस पर कर्सर चला गया तो पीछे की चीज हिडन हो जाती थी, तो मुझे इसको डिसेबल करना था। तो एक्सेल ऑप्शन में हम लोग जाते थे और यहाँ डोंट शो स्क्रीन टिप्स करते थे, डोंट शो स्क्रीन टिप्स। उसके बाद आपका, मैं देखिए मेरा डिफॉल्ट एरियल है, फॉन्ट 14 साइज है। तो आप अगर अलग अलग कोई अलग डिफॉल्ट से कैलिब्रेट होती है, लेकिन कोई अगर अलग सॉफ्टवेयर आप यूज करते हो तो यहां पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। और ये आपका ऑथर नेम होता है, मतलब कि फाइल को किसने बनाया है, ये आप यहां पे डाल सकते हो। किसी फाइल की प्रॉपर्टी में कोई जाएगा तो इसको इजीली देख पाएगा कि इस फाइल को किसने बनाया है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने फाइल मुझे भेजा है, देखिए सैलरी इंफॉर्मेशन पीडीएफ, और इसमें दिख रहा है ऑथर मोनिका वैट करके जा रहा है ना, तो इस साल को मोनिका ने बनाया है। तो इसमें हर किसी का नाम सिर्फ नहीं होता है, वो नाम जो होते हैं वो देखिए विंडोज यूजर आ रहा है ना ऑथर, तो नाम आपका नाम जो होता है अब डिफॉल्ट आपकी यूजर आईडी लेता है। तो आप चाहते हो कि मेरा एक्चुअली नाम रहे तो यहाँ पे इसको आप दे सकते हो। फिर ऑफिस की बैकग्राउंड कलर, अभी जो मेरा कलर है वो तो कलरफुल है, अगर मैंने इसको डार्क ग्रे करके ओके कर दिया तो देखिए डार्क ग्रे हो जाएगा। तो आप एक्सेल की ऑफिस की कलर जो है इसी से चेंज कर सकते हो। मैं वापस कलरफुल कर देता हूँ। एक्सेल ऑप्शन में आते हैं, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला है। फॉर्मूला में एक आपका आर1 सीबर रेफरेंस स्टाइल दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो एबीसीडी है वो 1-2-3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एबीसीडी जो है आपका 1-2-3 में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे A1 था आपका हो गया R1 C1 रो 1 एंड कॉलम 1, तो R1 C1 में कन्वर्ट हो जाता है। कोई डाउट सर? नो सर। मैं चेंज कर देता हूं। उसके अलावा यहां पे एक आपका आता है एनेबल बैकग्राउंड एलर्ट चेकिंग। जैसे कि अगर आप
कुछ जैसे मैंने जीरो वन टू थ्री लिखा था, जीरो से एक्सेप्ट नहीं किया, तो जनरली हम लोग सिंगल कोट लगा देते हैं और लिखते हैं, तो साइड में एक ग्रीन कलर का दिख जाता है, एरर अलर्ट जिसको बोलते हैं, और जब इस पर क्लिक करेंगे इतना का एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, उसमें आप देखेंगे कि नंबर स्टोर एज ए टेक्स्ट, ये बताता है कि आपने क्या गलती की है, तो ये एरर चेकिंग होता है। तो इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको इग्नोर एरर कर सकते हैं, ऐसे इग्नोर एरर, लेकिन कहीं और टाइप करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। मुझे परमानेंटली अपनी इस एप्लीकेशन से हटाना है तो एक्सेल ऑप्शन में जाइए और फार्मूला में जाइए और इसे अनेबल बैकग्राउंड एरर चेकिंग कर दीजिएगा, तो ये आपके सिस्टम पे हट जाएगा, लेकिन जैसे ही फाइल किसी को मैं मेल करूंगा उसके सिस्टम पे दिखेगा, क्योंकि ये जो चेंजिंग है ये किसी फाइल की चेंजिंग नहीं है, पूरी एप्लीकेशन की चेंजिंग है, हम पूरी की पूरी एप्लीकेशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी एप्लीकेशन की चेंजिंग है, कोई पर्टिकुलर फाइल की चेंजिंग नहीं है, लेकिन हाँ ऊपर वाला जो इग्नोर एरर किया था वो फाइल की चेंजिंग है, तो वो इग्नोर रहेगा हर किसी में। मैं चेक कर लेता हूँ, डेटा नॉर्मल है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। प्रूफिंग में आपका यहाँ पे एक ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब कि आप छोटे छोटे वर्ड बना सकते हैं, जैसे सिस्टम में अगर मैं डीएस लिखूंगा तो डेली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा, एमएस लिखूंगा तो मंथली सेल्स रिपोर्ट बन जाएगा, और यहाँ पे टीएम लिखूंगा टीएम करेंगे टीएम, हाँ टीएम का टीएम करेंगे, हाँ टीम लिस्ट, टीएम जो है टीम लिस्ट हो जाएगा। तो ये जैसे कि आप एक्सेल में ऐसा लिखेंगे, तो जैसे एक्सेल में देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया टीएम टीएम, टीम लिस्ट हो गया, डीएस डेली सेल्स रिपोर्ट, एमएस मंथली सेल्स रिपोर्ट, ऐसे शॉर्टकट्स हमने बनाए हुए हैं, तो ऐसे शॉर्टकट्स आप भी बना सकते हैं यहाँ पे प्रूफिंग में जाए ऑटो करेक्ट, ठीक है, प्रूफिंग में ऑटो करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और आता है, जैसे कि हम एक्सेल में कोई भी ईमेल आईडी लिखते हैं, आप लिखेंगे तो मैं लिख देता हूँ कुमार एट द रेट ipt india.com, कुमार एट द रेट ipt india.com, तो देखिए क्या हो गया, ये आपका हाइपर लिंक लग गया, ठीक है सर। तो इससे क्या होता है, अगर कुछ डेटा आप एंट्री करेंगे यहाँ पे, कोई डेटा एंट्री करेंगे तो अब इस पे आपको क्लिक करना है, तो क्लिक के जगह पे क्या हो जाएगा, क्लिक के जगह पे आपका मतलब कि आपको मान लीजिए सिलेक्ट करना है तो सिलेक्ट नहीं हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा, आउटलुक खुल जाएगा, तो एक छोटी सी प्रॉब्लम होती रहती है, तो ऐसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करना चाहेंगे कि जब मैं टाइप करूं तो ये हाइपरलिंक लगे ही ना, तो उस केस में आप एक्सेल ऑप्शन पे आए और एक्सेल ऑप्शन के अंदर प्रूफिंग में जाए, ऑटो करेक्ट पे जाए और यहाँ से ऑटो फॉर्मेटिंग टाइप में जाके इंटरनेट नेटवर्क बात विथ हाइपरलिंक को अनचेक करके ओके करें। अब मैं यहाँ पे डालूंगा कुमार एट द रेट ipt india.com, तो हाइपरलिंक नहीं आए, तो ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है सर। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है सर। कोई डाउट तो नहीं इसमें,
नहीं था चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें तो प्रूफिंग में ये होता है दूसरा आता है कि आप इग्नोर वर्ड का ऊपर केस करना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीजें हैं अब सेव पे आते हैं सेव पे आपका यहाँ डिफॉल्ट फाइल्स फॉर्म है मतलब जब भी हम फाइल को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं तो आपको जब जो ब्राउज का ऑप्शन जो आता है उसमें यहाँ सेव एज टाइप होता है और डिफॉल्ट होता है एक्सेल वर्कबुक तो एक्सेल वर्कबुक में अपनी फाइल को आप सेव तो कर सकते हैं लेकिन अगर आपके फाइल में मैक्रो कंटेंट हुए मतलब कि मैक्रो अगर आपने रिकॉर्ड या कोड कर रखा है तो सारे मैक्रो आपके डिसेबल हो जाएंगे क्योंकि ये जो एक्सेल वर्कबुक है वो मैक्रो को स्टोर नहीं करता है ये मैक्रो को स्टोर बिल्कुल नहीं करता है इसलिए ठीक है सर मैक्रो को स्टोर बिल्कुल नहीं करता है तो मुझे बार बार यहां पे सिलेक्ट करने होते हैं कभी ऐसा हुआ कि आपने गलती से एक्सेल वर्कबुक में अपनी मैक्रो फाइल को सेव कर दी तो सारे मैक्रो आपके लॉस्ट हो जाएंगे तो जब मुझे इस फाइल को मैक्रो फाइल में ही सेव करना है मुझे मैक्रो फाइल ही रखना है तो मैं सारे फाइल को मैक्रो फाइल में ही सेव क्यों ना करूं तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि एक्सेल ऑप्शन में जाके एक्सेल ऑप्शन पे जाके सेम में जाके आप यहाँ पे डिफॉल्ट मैक्रो अवेलेबल वर्कबुक सेलेक्ट करें हमेशा आपको वही सिलेक्ट रहेगा और सेम यहाँ पे आपका पाथ है कि भाई आप डिफॉल्ट फाइल को किस पाथ में सेव करेंगे वो पाथ भी यहाँ पे आपका सेम रहेगा जो डालना चाहे वो डाल सकते हैं ठीक है सर ऐसे आपके यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एजुकेशन खास नहीं है इसमें एडवांस में आपकी खास है तो आप बैठ के एडवांस के जितने भी ऑप्शंस को देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए आफ्टर प्रेसिंग द एंटर जब एंटर मारते हैं कर्सर अप डाउन मूव होता है यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं डेसिमल प्लेस मतलब कि जब भी एंट्री करेंगे तो दो डेसिमल प्लेस जाएगा अनुमान फिल एंटर ड्रैग ड्रॉप हटाना चाहते हो या ड्रैग ड्रॉप करते हटाना चाहते हो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं तो इसको एक बार आप स्टडी कर लीजिएगा इसमें जो चीजें समझ में आएगी वो हम कल बता देंगे ठीक है सर ठीक है तो इसमें जो आपका ये है और चलेगा ये सिस्टम रहेगी आप